हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए लर्निंग वीडियो में। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करके रखा हुआ है एंड मार्केट काफी देर से यहां पर साइडवेज जा रहा है, मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां से यहां तक मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर की तरफ हमने ये वाला लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है जो कि हमारे लिए स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड नीचे की तरफ हमने ये वाला लाइन ड्रॉ किया हुआ है जो कि हमारे लिए स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट ये वाले लाइन को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमारा एक टारगेट होगा जो कि मैंने मार्क करके रखा हुआ है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको मार्क किया है मैंने एंड ये वाला कैसे हमने ड्रॉ किया हुआ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और नीचे की तरफ हमारा ये वाला टारगेट है, अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो रिटेस्ट करके मार्केट यहां तक आ सकता है। एंड इसके ऊपर मैंने मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया हुआ था जो कि यहां आसपास हमने ट्रेड लिया हुआ था, वॉल्यूम के बेस पर मैंने ट्रेड लिया हुआ था। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं वॉल्यूम, यहां पर आप देख सकते हैं मॉर्निंग में काफी ज्यादा वॉल्यूम था। यहां पर मैंने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा हुआ है तो यहां पर मॉर्निंग में काफी ज्यादा वॉल्यूम था, वॉल्यूम के बेस पर मैंने यहां पर ट्रेड लिया हुआ था। इसका अगर डिटेल वीडियो चाहते तो सब्सक्राइब करके रख लेना, नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आने वाला है। एंड यहां पर हमने ट्रेडिंग में कितना प्रॉफिट बुक किया हुआ है आज के दिन में, तो 820 रुपए हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है एंड अभी एवरेज प्राइस देख सकते हैं 0 है, तो यहां पर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ है सक्सेसफुली एंड अभी मार्केट प्राइस 17 रुपए चल रहा है। तो इसका अगर डिटेल चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में बता दूंगा। दोनों वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, स्क्रीन रिकॉर्ड, एक में मैंने चार्ट ओपन करके रखा हुआ था एंड दूसरे में मैंने यहां पर प्राइस देख रहा था, तो इन दोनों के ऊपर मैं कॉम्बिनेशन करके एक साथ दोनों स्क्रीन को आपको लगा करके एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड यहां पर मैं आपको बताता हूं कि कैसे अब हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है एंड ये वाले लेवल्स को हमने कैसे फाइंड आउट किया है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे ये वाला जो लाइन है हमारा डे हाई है, कि यहां पर मार्केट ऊपर की तरफ जाने के बाद यहां से आसपास में काफी देर तक कंसोलिडेट किया 20-25 मिनट तक, इसके बाद मार्केट फिर से नीचे आया फिर ऊपर गया तो यहां पर दो बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में रिजेक्शन लिया एंड मार्केट नीचे की तरफ आया। तो इसका मतलब ये वाला हमारा डे हाई है एंड ये हमारे लिए स्ट्रांग अभी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड नीचे की तरफ ये वाला हमने सपोर्ट कैसे ड्रॉ किया हुआ है। तो आज के दिन में आप यहां पर देख सकते हैं मार्केट बुलिश हो रहा था काफी तेजी से एंड यहां पर आने के बाद मार्केट रिजेक्शन लिया, नीचे की तरफ आने लग गया, तो ये वाला हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम किया। दो बार यहां पर देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में रिजेक्शन लिया है एंड यहां पर जैसे ही इसको ब्रेक किया यहां पर आप देख सकते हैं काफी तेजी से बड़े बड़े कैंडल बना करके यहां पर ऊपर की तरफ बुलिश मूवमेंट दिया हुआ है। एंड यहां पर ऊपर की तरफ हमने टारगेट कैसे फाइंड आउट किया है तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं एंड जूम आउट करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये वाला जो हमारा टारगेट है यहां पर आप देख सकते हैं दो से तीन बार यहां पर आसपास हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है, तो ये हमारा एक नया टारगेट है। उसके बीच में यहां पर आप देख सकते हैं कोई भी यहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहां पर हमारा डायरेक्ट टारगेट हमारा ये वाला होने वाला अगर ब्रेकआउट यहां पर मिलता है तो एंड ब्रेकडाउन देता है तो हमारा ये वाला टारगेट होने वाला है। जस्ट बिकॉज यहां पर आप देख सकते हैं इधर भी आप यहां पर देखेंगे तो काफी देर तक कंसोलिडेट किया हुआ है एंड यहां पर ये वाला हमारा रेजिस्टेंस का काम किया हुआ है एंड यहां पर भी आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस का काम किया है, यहां पर भी रेजिस्टेंस का काम किया है एंड यहां पर देख सकते हैं मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, तो यहां पर हमने इसी यहां पर ट्रेड भी लिया हुआ था। मार्केट बुलिश होने के बाद नीचे जब आया तो यहां पर सपोर्ट लिया हुआ है, तो ये वाला लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यहां पर आप देख सकते हैं 18,033 का है, तो ये वाला लाइन भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ये वाला नेक्स्ट टारगेट होने वाला है नीचे की तरफ एंड यहां पर हमने ट्रेड लिया हुआ था करीब यहां आसपास में मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद यहां पर हमने ट्रेड लिया हुआ था, क्योंकि देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गया, रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया, इसके बाद नीचे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर आया, तो हमने यहां आसपास में ट्रेड लिया हुआ था एंड यहां पर हमने अपना प्रॉफिट बुक किया हुआ था। तो इसका डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा किस बेस पर मैंने ट्रेड लिया हुआ था, यहां पर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हमने वॉल्यूम देख करके यहां पर ट्रेड लिया हुआ था तो इसमें हमने प्रॉफिट भी बुक किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितना मैंने यहां पर पैसा लगाया हुआ था एंड यहां पर कितना यहां पर रिटर्न देखने को मिला है, तो सारी चीजें डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।